तो गाइज, हम सबका फेवरेट टोनी स्टार्क अब मर चुका है, जिसका मतलब ये है कि आयरन मैन का कैरेक्टर भी एमसीयू में अब खत्म हो गया है। और एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि फ्यूचर में रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज अ आयरन मैन वापस नहीं आने वाले। लेकिन अभी भी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो फ्यूचर में आयरन मैन का टाइटल ले सकते हैं। इनमें से कुछ कैरेक्टर्स कॉमिक्स के हैं और कुछ मूवीज के। अब क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स आयरन मैन से ही शुरू हुआ था, तो आगे आयरन मैन के कैरेक्टर को ना दिखाना मार्वल को थोड़ा महंगा पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि फ्यूचर के आयरन मैन के लिए मार्वल के पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो शुरू से लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। रूडी ऑलरेडी एक एवेंजर है और उसके पास वॉर मशीन आर्मर भी है, तो लॉजिकली तो उसका सबसे ज्यादा हक बनता है कि वो अपने दोस्त टोनी के मकसद को आगे बढ़ाए रखने के लिए खुद आयरन मैन बन जाए, क्योंकि कैप्टन अमेरिका का टाइटल भी उसके दोस्त सैम विल्सन को ही मिलने वाला है। लेकिन ऑलरेडी 6 मूवीज में काम करने के बाद डॉन चैडली अब इस रोल को छोड़ना चाहते हैं, और मार्वल भी अब आयरन मैन से रिलेटेड पुराने कैरेक्टर्स को खत्म करके नए चेहरों को मौका देना चाहता है। पेपर पॉट्स को हम पहली आयरन मैन मूवी से देखते आ रहे हैं, और पिछली कुछ मूवीज में उसे भले ही थोड़ा भुला दिया गया हो, पर फिर भी पेपर पॉट्स का रोल आयरन मैन के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। एंड गेम में पेपर को एक बड़े रोल के साथ वापस लाया गया, और फाइनली उसने टोनी स्टार्क से शादी करने के बाद टोनी के बनाए हुए रेस्क्यू आर्मर को पहना और फाइनल बैटल में एवेंजर्स की हेल्प भी की। और इस रेस्क्यू आर्मर को पेपर ने कॉमिक्स में भी कई बार पहना है, लेकिन फिर भी ऐसे होने के बिल्कुल चांसेस नहीं है कि उसे फ्यूचर के आयरन मैन का टाइटल दिया जाएगा, क्योंकि वो अब इस रोल को करने में उतनी इंटरेस्टेड नहीं है। और रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने पेपर पॉट्स के रोल को ख़त्म करने के बारे में भी बताया था कि एंड गेम के बाद वो इस रोल को छोड़ने वाली है। टोनी और पेपर की बेटी मॉर्गन स्टार्क भले ही एंड गेम में 5 साल की थी, लेकिन फिर भी बचपन में ही उसे आयरन मैन की तरह टीज किया गया जब वो मूवी में रेस्क्यू आर्मर के हेलमेट को पहनकर खेल रही होती है। और इसके अलावा कैथरीन लैंगफोर्ड को फ्यूचर की मॉर्गन स्टार्क के रोल में लिया गया था, पर उस सीन को एवेंजर्स एंड गेम से हटा दिया गया। तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर से टोनी स्टार्क की बेटी प्रेजेंट टाइमलाइन में आके नई आयरन वुमन बन जाए, क्योंकि एंड गेम में बहुत से यंग हीरोज को टीज किया गया है, जैसे हॉकाई की बेटी केट बिशप और कैसी लैंग, जो कॉमिक्स में यंग एवेंजर्स टीम का हिस्सा रहे हैं। तो अगर फ्यूचर से आगे आयरन मैन की बेटी भी इनकी टीम को ज्वाइन कर ले तो इस बात में ज्यादा हैरानी नहीं होगी। रेरी विलियम्स को अभी मूवीज में तो नहीं दिखाया गया, लेकिन कई लोगों ने उसे कॉमिक्स में जरूर देखा होगा। वो एक जीनियस टीनेजर है जिसके पास अपना खुद का बनाया हुआ एक आयरन मैन सूट है, और उसको कॉमिक्स में आयरन हार्ट के नाम से जाना जाता है। उसके सूट में जार्विस की तरह टोनी स्टार्क का एआई रहता है जो उसको और उसके सूट को असिस्ट करता है। तो अगर उसको एमसीयू में नए आयरन पर्सन की तरह इंट्रोड्यूस किया गया तो ये एक सीरीज की ये अच्छी शुरुआत हो सकती है। और क्योंकि उसके आर्मर में एआई की तरह टोनी स्टार्क मौजूद रहता है, तो ये एक अच्छा तरीका होगा रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एमसीयू में कैमियो की तरह शो करने का। टोनी स्टार्क के फ्यूनरल में इस यंग लड़के को देखकर कई फैंस ये समझ नहीं पाए कि ये कौन है। वो लड़का असल में आयरन मैन 3 का वो बच्चा हार्ली कीनर था, जो टोनी स्टार्क की हेल्प करता है उसके सूट को रिपेयर और चार्ज करने में। उस बच्चे को उस सीन में दिखाना कोई इत्तेफाक नहीं था। हो सकता है वो फ्यूचर में टोनी स्टार्क से इंस्पायर होकर आयरन मैन बन के लोगों की मदद करे, या फिर उसे एमसीयू में आयरन लैड की तरह शो किया जा सकता है, जो कॉमिक्स में यंग एवेंजर्स का विलन रहा है। सो गाइज, ये तो थे वो सारे पॉसिबल कैरेक्टर्स जो आयरन मैन के कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो हम सब जानते हैं कि चाहे जो हो जाए, रॉबर्ट डाउनी जूनियर के टोनी स्टार्क को रिप्लेस कर पाना इम्पॉसिबल है, और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और मेरे हिसाब से किसी और को आयरन मैन की जगह दिखाना हम सब फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला। तो यही बेहतर है कि फ्यूचर में किसी और को आयरन मैन का टाइटल ना दिया जाए, तभी हम रॉबर्ट डाउनी जूनियर को हमेशा एज ए आयरन मैन याद रखेंगे। और गाइज, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste.